हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में बात करेंगे जिसको शायद आपने कभी ध्यान से देखा ही नहीं होगा, ध्यान से उसके बारे में सोचा ही नहीं होगा कि हम इसे क्या कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे ये मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो कि होठों से और नाक के बीच में जो जगह होती है, जो दबा हुआ जगह सी होती है, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे मूछें होती हैं, मूछों को भी वो शेप देने का काम करती है, वहाँ से डिवाइड होती हैं मूछें दो अलग अलग हिस्सों में, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें ताकि इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। शरीर के इस भाग को हम बोलते हैं फिल्ट्रम, 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 फिल्ट्रम। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी आपको कोई एक सेंटेंस बनाना है फिल्ट्रम वर्ड का यूज़ करके, जैसे कि फिल्ट्रम की वजह से मुझे दो भागों में बढ़ जाती हैं। इस टाइप से ही कोई भी जो आप बना सकें ऐसा सेंटेंस आप सोचिए और उसको फिल्ट्रम वर्ड का यूज़ करिए उसमें, और उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए जिससे कि आप इसका यूज़ समझ पाएँ। बार बार अगर आपको कहीं बोलना पड़े, कभी भी ज़रूरत पड़े, तो आप उसे बोल पाएँ और अपनी इंग्लिश का लेवल को इम्प्रूव कर पाएँ, जिससे कि आपके सर्कल में आपका इंग्लिश का प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू।